हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड स्प्लाइड्स फ्रॉम द्रास। द्रास से हम लोगों ने स्प्लाइड्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है और उनसे किस तरीके से शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करनी है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स उठानी है, सही है, जो भी मार्केट में इस वक्त इन चल रही है। आप लोगों को मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी चीजें चल रही है, मैं जस्ट इस वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, इंप्लीमेंट आप लोगों ने खुद से करना है। अब फॉर एग्जांपल, इधर से मैंने एक M10 और M19 एयरबड्स ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब इधर से सबसे पहले आप लोगों ने चेक क्या करना है, इस प्रोडक्ट की आप लोगों ने पॉजिटिव सेलर रेटिंग चेक करनी है जो कि 78 है, ओके। और शिपिंग टाइम जो है बहुत अच्छा है, 99% है, और चैट रिस्पॉन्स रेट जो है वो 99% है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी जैसे आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, रेटिंग चेक करनी है कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, इसकी रेटिंग जो है वो 4.1 है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। और इसके बाद आप लोगों ने नीचे उसके रिव्यूज चेक करने हैं। प्रोडक्ट के अगर मैं रिव्यूज चेक करूँ तो बकवास, मतलब कि इतने कोई अच्छे रिव्यूज भी नहीं है। और इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये जो सप्लायर है, इसकी जो ये प्रोडक्ट है, ये इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि इसमें दो नंबर ही है, सही है। इस तरीके से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगी अपने सप्लायर को फाइंड करने में। अब इसी के साथ देखो, ये सप्लायर तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, रेटिंग वगैरह अच्छी नहीं है और प्रोडक्ट में जान नहीं है। बाकी वो उसका शिपिंग टाइम ठीक है, उसके अलावा चैट रिस्पॉन्स वो सही से दे रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट में जान नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। अब इसी के साथ मैं जंप करता हूँ अपनी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। ये फिटनेस से रिलेटेड मैंने एक ओपन करके रखी हुई है और इधर आप लोग चेक करोगे, इसकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग जो है बहुत अच्छी है, 92% है। शिपिंग टाइम देख रहे हो बहुत अच्छा है, उसके बाद चैट रिस्पॉन्स देख रहे हो बहुत अच्छा है। नीचे अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो इसकी रेटिंग 0 है, मतलब कोई रेटिंग नहीं है। अब आप इससे क्यों प्रोडक्ट परचेज करोगे, सही है। तो ये चीजें आप लोगों ने उसके रिव्यूज, उसकी रेटिंग और सारी चीजें आप लोगों ने देख के चलनी है, फिर ही आप लोगों ने उसको हायर करना है। अब इसके साथ मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये जो प्रोडक्ट है ना, केराटिन हेयर मास्क, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस वक्त। अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या वाइट लेबल कर रहे हो तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, ऑलरेडी पता होगा। अब इसमें भी यार दो तरह की चीजें आती हैं, एक तो थोड़ा सा नकली सा आता है, फेक आता है, और थोड़ा ओरिजिनल भी इसमें है। अब इसकी पहचान किस तरीके से होती है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोगों को आई नो कि आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसकी प्राइस उसने क्या लगाई हुई है, 425 रुपए, सही है, और हालांकि ये इतने का है नहीं। नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग 86 है, ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद शिपिंग टाइम जो है 97 है, ठीक है। चैट रिस्पॉन्स जो है वो 100% है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसकी रेटिंग चेक करो, 4.1 है, नॉट बैड, और अच्छी भी नहीं है, सही है। और नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसके आप लोग रिव्यू चेक करो। ये मैंने पता कैसे पकड़ लिया ये चीज ओरिजिनल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब इस बंदे ने ये चेक करो, नीचे रिव्यू दिया हुआ है, और इधर से मैंने ये पिक्चर ओपन की है, आपको मैं ओपन करके दिखा, देखो इसमें कोई सील वगैरह नहीं है। जो ओरिजिनल है उस ओरिजिनल में सील लगी हुई आती है। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें दो तरह की चीज आती है, एक फेक होती है और एक ओरिजिनल होती है। उसको आप लोगों ने किस तरीके से पकड़ना है, आप लोग रिव्यूज में आगे देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो ओरिजिनल चीज सेल आउट कर रहा है या फेक चीज सेल आउट कर रहा है। अब नीचे आपको अगर मैं दिखाऊं, ये चेक करो, ये पिक्चर भी मैंने ओपन की थी, देखो कोई सील वगैरह नहीं है, ओपन ही है, मतलब कि ये चीज फेक है, ये जो सप्लायर है ये हमारे लिए सही नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने बड़े एहतियात से जो सप्लायर है वो फाइंड करना है, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट उसके साथ रीच आउट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इधर मैंने एक और प्रोडक्ट ओपन करके रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये S8 अल्ट्रा वॉच है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन है इस वक्त, सही है। अब भर भर के इसके ऑर्डर आ रहे हैं, आप लोग लगाओ चलाओ जैसे मर्जी। इधर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो पॉजिटिव सेलर रेटिंग इसकी 85% है, और शिपिंग टाइम जो है बहुत 100% है, और चैट रिस्पॉन्स भी अच्छा है। देखो चैट रिस्पॉन्स अच्छे से मुराद और शिपिंग टाइम से अच्छे से मुराद ये नहीं है कि ये बंदा अच्छा है, सही है, उसके प्रोडक्ट में जान है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है। ये आप लोगों को किधर से आइडिया होगा, नीचे आप लोगों को रिव्यू से और रेटिंग से आइडिया होगा। अब नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इधर आप चेक करें, 4.5 इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है मेरे हिसाब से। उसके बाद रिव्यूज आप लोग चेक करो, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह आई रिसीव्ड दिस, ओके है ये भी, उसके बाद ऑसम है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पहले मैंने ये देखो, ये वो कह रहा है कि पहले मैंने वॉच ऑर्डर की थी, मुझे सही नहीं है, उसके बाद दोबारा मैंने उसको ऑर्डर किया तो बेहतरीन है। अब उसके बाद वंडरफुल वॉच है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं इस प्रोडक्ट के। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखो रिव्यूज अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, उसके बाद उसकी जो शिपिंग टाइम अच्छा है, चैट रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आप लोगों ने उस बायर को रीच आउट करना है, उस सप्लायर को रीच आउट करना है। कैसे करना है, इधर ये चेक करो, विजिट स्टोर का एक ऑप्शन मिल रहा है, लिंक
इस पे आप लोग सिंपल से क्लिक करो तो ये आपको जंप करके उस स्टोर पे विजिट कर देगा। आप लोग इधर देखो, इस स्टोर का नेम है होमल, कुछ भी नाम हो सकता है आपके केस में। उसके बाद इसके आप लोगों ने ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाना है। ऑल प्रोडक्ट्स में आगे आप लोग इसकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स देख सकते हो। आप लोगों ने अब इन तमाम प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। जैसे ये चेक करो, ये वायरलेस ब्लूटूथ है, ये बहुत ज्यादा मार्केट में इन है। इसको आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करके इसकी रेटिंग देखनी है, इसके रिव्यूज देखने हैं। अगर ये भी अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लायर है ना, ये ऑथेंटिक बंदा है। इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी होती हैं। आप इसको रीच आउट कर सकते हो। अब इधर मैं आपको रीच आउट करने का तरीका बता देता हूँ। सिंपल से आप लोग इधर स्टोर में होम पेज पे अगर आओगे तो इधर चैट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा और फॉलो का ऑप्शन मिल जाएगा। चैट नाउ पे क्लिक करो, सिंपल से चैट स्पॉट ओपन हो जाएगी। इनकी चैट 99% इनका रिस्पॉन्स रेट है। फौरन आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, उन्हें बताओ कि यार ऐसे मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मेरा अपना स्टोर है, सही है, आपसे मैं प्रोडक्ट अगर ये परचेज करता हूँ तो आप मुझे कितने में ये लगाओगे, होलसेल रेट लगाना है, सही है, क्योंकि मैंने बल्क में आपसे ऑर्डर करना है। आप लोगों ने इसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह कर लेनी है। टिकटॉक ऐड चलाओ, फेसबुक ऐड चलाओ, जैसे मर्जी आप लोगों की ये हेडिक है, टेस्टिंग वगैरह कर लेनी है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो उससे आप लोग ऑर्डर करो, बल्क में वो चीज उठाओ। आप लोगों को सप्लायर मिल गया है, एक ऑथेंटिक सप्लायर मिल गया है दराज से, तो उससे आप लोगों को बल्क में चीज भी मिल जाएगी और सेकंड नंबर पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को आज की जो वीडियो वो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी मजे मजे की वीडियोस मिलती रहे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।